हफ्ते भर की सारी खबरें लेकर भाई आ चुका है, जिनको सुनकर आप लिटरली ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक एक करके उन सभी के ऊपर से पर्दा हटाएंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका इस अमेजिंग वीडियो में और शुरू करेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ। जब जवान थिएटर में आता है तो उसके आगे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड टिक नहीं पाते, एंड इस मूवी ने फकिंग 735 करोड़ की बॉक्स ऑफिस से कमाई कर ली है, जो फिलहाल तो रुकने वाला है नहीं। तो क्या ये मूवी KGF चैप्टर 2 और पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नेक्स्ट अपडेट जवान के सीक्वल को लेकर है, तो एटली कुमार सर ने ये क्लियर कर दिया कि जवान में थालापति विजय का कैमियो नहीं था, और अगर ऐसा होता तो इसे बहुत पहले ही कन्फर्म कर देते। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि थालापति विजय और SRK के साथ वो एक ज़रूर से मूवी बनाएंगे, उनको साथ में लाने की वो प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो क्या ये मूवी जवान 2 होगी या फिर कोई अलग मूवी होगी, फिलहाल इसका सिर्फ हम वेट ही कर सकते हैं। लेकिन वेट खत्म किया टाइगर वर्सेस पठान का, और अपनी नेक्स्ट न्यूज भी इसी को लेकर है, जहां आदित्य चोपड़ा ने ये कन्फर्म कर दिया है कि हाँ ये मूवी इंडिया की वन ऑफ दी हाईएस्ट एक्शन बिग बजट मूवी होगी, जिसका नरेशन भी उन्होंने सलमान और शाहरुख को दे दिया है, एंड दोनों स्टार्स ने नरेशन को सुनकर हरी झंडी भी दे दी है। एंड इतना ही नहीं, इस मूवी को बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट और ईगो के साथ बनाया जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सलमान या शाहरुख दोनों में से किसी एक को पिटते हुए या वीक दिखाना होगा तो इस मूवी में वो टेक लिया जाएगा, और सलमान या शाहरुख इस सीन को लेकर या उस सिनेरियो को लेकर मना नहीं कर सकते। और ये सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, और ये सारी बातें कितनी सच होती है ये मूवी देखने पर पता हमें चल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए एक्साइटमेंट पूरी रहेगी। इसी के साथ अपनी अगली खबर फाइटर मूवी को लेकर है, तो इस मूवी में हमें एक पैपी नंबर सॉन्ग सुनने को मिल जाएगा, जिसमें फीचर होंगे ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण एंड अनिल कपूर सर, साथ ही करण सिंह ग्रोवर एंड अक्षय ओबेरॉय भी देखने को मिल जाएंगे। इस सॉन्ग के कंपोजर होंगे विशालन शेखर, जो काफी बेहतरीन काम करते हैं, साथ ही कोरियोग्राफ करेंगे बोस्को मार्टिस। So, let's wait and watch. कोरियोग्राफी से याद आया, कोरियोग्राफर सरोज खान को लेकर एक बायोपिक बन सकती है, जिसको भूषण कुमार एंड हंसल मेहता मिलकर बना सकते हैं। इसको लेकर मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि उनका कैरेक्टर प्ले कौन करेगा, वैसे मेरे पास ये कैंडिडेट है। ऐसा कोई हफ्ता नहीं जहां खिलाड़ी कुमार से रिलेटेड कोई खबर ना आए। तो खेल खेल में नाम से एक मूवी बनने जा रही है, जिसमें अक्षय कुमार एंड फरदीन खान एक साथ लीड रोल में देखने को मिल जाएंगे। इसकी स्टोरी कुछ पुराने दोस्तों की होगी, जो काफी टाइम बाद एक दूसरे से मिलेंगे और मिलकर एक गेम खेलेंगे, वो भी कौन सा, एक दूसरे के राज खोलने का, और इसी बीच काफी सारा केओस देखने को मिल जाएगा, जो कॉमेडी के जरिए हमें दिखाया जाएगा। तो इसको लेकर मैं बस इतना ही कहूंगा कि वाह बेटे वाह, एक दूसरे के राज ही खोलने रह गए थे 10 साल बाद। 5 minutes later. अपनी अगली खबर थालापति विजय की नेक्स्ट मूवी थालापति 68 को लेकर है, तो उठती उठती खबर ये है कि इस मूवी में आर माधवन एंड प्रभुदेवा किसी इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिल जाएंगे, और इस मूवी को लेकर मैं काफी एक्साइटेड हूँ, आप हो कि नहीं वो मुझे कमेंट्स में बता देना। नेक्स्ट अपडेट अपने LCU यूनिवर्स को लेकर है, एंड इस यूनिवर्स में अब हमें थलाईवार रजनी सर भी देखने को मिलेंगे, तो उनकी अगली मूवी थलाईवार 171 को लोकेश कनगराज डायरेक्ट करेंगे, और ये बोला जा रहा है कि ये मूवी LCU यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगी, और अगर ऐसा हो गया तो ये यूनिवर्स फोड़ कर रख देगा, क्योंकि इस यूनिवर्स में काफी बड़े बड़े स्टार्स हमें एक साथ देखने को मिलेंगे। कमल हसन सर, सूर्या, थालापति विजय, संजय दत्त, रजनीकांत सर, फहद फासिल और बाकी अदर एक्टर एक साथ देखने को मिलेंगे, और ये सोचकर बाई गॉड दिल गार्डन गार्डन हो जाता भाई। नेक्स्ट अपडेट रैम्बो मूवी के रिमेक को लेकर है, जो हॉलीवुड की एक्शन मूवी फ्रेंचाइजी है, जिसमें अपने सिल्वेस्टर स्टैलोन देखने को मिल जाते हैं, तो इसका एक हिंदी में रिमेक बनाया जाएगा, जिसमें टाइगर श्रॉफ एंड जानवी कपूर लीड रोल में देखने को मिल जाएंगे। मूवी का मेजोरिटी ऑफ पार्ट यूरोप में शूट किया जाएगा, जिसको डायरेक्ट करेंगे रोहित धवन एंड प्रोड्यूस करेंगे सिद्धार्थ आनंद, और इसको लेकर मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि बागी वाली बकचोदी यहाँ मत फेल दे। साथ ही अब सिद्धार्थ आनंद का जिक्र हो ही गया है, तो उनकी अगली से अगली मूवी का अपडेट भी आ चुका है, एंड इस मूवी में
सैफ अली खान एंड जयदीप अहलावत देखने को मिल जाएंगे। ये मूवी रेस अगेंस्ट टाइम के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होगी। तो इस तरीके की मूवी मैं ज़रूर से देखना पसंद करता हूँ, तो इसके लिए भी लेट्स वेट एंड वॉच ही रहेगा। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर जो है एनिमल मूवी से। इसको लेकर रणबीर कपूर ने ये बोला है कि ये मूवी एक पैन इंडिया मूवी है, इसको नॉर्थ और साउथ ने मिलकर बनाया है लाइक जवान, एंड इसका प्रमोशन भी वैसे ही किया जाएगा लाइक SRK हैज डन। और ये सुनकर मैं काफी ज्यादा खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल मेरी खुशी फुर हो गई। A few minutes later. क्योंकि प्रभास अपनी अगली मूवी में लॉर्ड शिवा का रोल प्ले कर सकते हैं। कपन्ना जो एक पैन इंडिया मूवी होगी, इस मूवी में प्रभास एज लॉर्ड शिवा अपना कैमियो दे सकते हैं। और इसको सुनने के बाद मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि आई थिंक कि प्रभास ने अभी तक अपनी आदि पुरुष नहीं देखी। अगर नहीं देखी तो टीवी पर बहुत जल्द आने वाली है, अगर नहीं देखे तो OTT पर रिलीज हो चुकी है, देख लो जाके। अब प्रभास की बात हो ही रही है तो बता दूं कि प्रभास की स्प्रिट नाम से एक मूवी आने वाली थी, जिसको अब कंफर्म कर दिया गया है। एंड इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे अपने एनिमल मूवी के डायरेक्टर संदीप पांगा रेड्डी सर। और ये कॉम्बिनेशन देखने के लिए मैं वेट नहीं कर सकता भाई। नेक्स्ट न्यूज रोहित शेट्टी एंड अक्षय कुमार से रिलेटेड है। तो ऐसा सुनने में आया है कि ये दोनों फिर से टीम अप कर सकते हैं एक फुल ऑन एक्शन पैक मूवी के लिए, जिसको डायरेक्ट करेंगे मोहित सूरी एंड प्रोड्यूस करेंगे रोहित शेट्टी। इतना ही नहीं, इसको लेकर ये बोला गया है कि अक्षय कुमार का बिल्कुल ही डिफरेंट लुक हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा और एक्शन बिल्कुल बवाल दिखाया जाएगा। और सेम चीज बच्चन पांडे के लिए भी बोली गई थी। और इसको लेकर मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि बच्चन पांडे वाली बकचोदी यहाँ मत कर देना। 5 minutes later. इनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन सिंघम 3 को लेकर वायदा जरूर फैल चुका है। तो सबसे पहले बता दूं कि इस मूवी की फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है। अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान, रोहित शेट्टी सब ने अपने इंस्टाग्राम पर ये फोटो शेयर करके ये बताया कि हाँ इस मूवी की फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसी के साथ उठते उठते खबरें ये है कि इस मूवी में अर्जुन कपूर मेन विलन देखने को मिल जाएंगे। और ये स्क्रीनर आई वॉज क्राइंग इन अ कॉर्नर। A few minutes later. And जब हमने इनसे पूछा था कि अपने यूनिवर्स में किसी तगड़े विलन को लेकर आइए, तो इन्होंने किसे चुना? अर्जुन कपूर को। वैसे बात भी सही है, जो सलमान भाई की भाभी को ले जाए उससे बड़ा विलन कौन हो सकता है। ये सॉरी यार, जोक्स अपार्ट, लेकिन ये खबर डिसअपॉइंटमेंट करने वाली तो है ही। इसी के साथ सोने पे सुहागा ये रहा कि पुष्पा 2 वालों ने अपनी रिलीज डेट कंफर्म कर दी है। ये मूवी 15 अगस्त 2024 यानी सिंघम 3 के सामने आएगी और एक बड़ा क्लैश हमें देखने को मिल जाएगा। तो एक तरफ है पुष्पा राज जो साल चुकेगा नहीं, और दूसरी तरफ है सिंघम पत्तावाजी से टकली। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन किसे झुकाएगा और कौन किसकी सपकाएगा। खैर आप मुझे बताइए कि आप ये न्यूज सुनकर क्या सोचते हैं। लास्ट आते हैं अपने सलमान भाई की मूवी पर जो विष्णु वर्धन के साथ बनाने वाले हैं। और ऐसा सुनने में आया है कि इस मूवी में साउथ की 3 बड़ी एक्ट्रेस को अप्रोच किया गया है। सबसे पहले है सामंथा। अगर सब कुछ सही रहा तो सलमान और सामंथा की जोड़ी हमें इस मूवी में देखने को मिल जाएगी। साथ ही अनुष्का शेट्टी और त्रिशा से भी बात चल रही है, और इसको लेकर जो भी अपडेट्स आएंगी वो मैं जरूर से बताऊंगा। इसी के साथ आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे हाथ जो भी खबरें लगी वो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कौन सी न्यूज सुनकर एक्साइटेड हुए, वो किस खबर को सुनकर आप डिसअपॉइंटमेंट हुए, और किस मूवी के लिए आप सुपर एक्साइटेड है वो कमेंट्स में जरूर बताना, मैं जरूर जानना चाहूंगा। और किसी मूवी को लेकर अगर आपके मन में कोई थ्योरी वगैरह हो तो वो भी जरूर से शेयर करना। कहीं ना कहीं रोड कनेक्ट्स होंगे तो उन्हें भी वीडियोस में जरूर से मेंशन करेंगे। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और एज ऑलवेज चैनल पर कैसे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और हिस्सा बनो रिएक्शन टाइम फैमिली का। इसके अलावा मैंने बाकी मूवीज के ऊपर भी बात हुई है तो उनके लिंक मैं आपको याद दे दूंगा, यहाँ से वो वाली वीडियो जरूर चेकअप करना। और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट खोल देना, और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पंच रहिए और देखते रहिए रिएक्शन टाइम।